झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ भाजपा ने जोरदार हमला बोलना शुरू कर दिया है। बीते दिनों झारखंड सरकार के खिलाफ भाजपा का प्रखंड मुख्यालयों पर धरना कार्यक्रम किया गया। अब भाजपा के द्वारा जिला मुख्यालय पर विराट प्रदर्शन बुधवार को किया जाएगा। भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि झारखंड सरकार हत्या, लूट, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न जैसे मामलों में लिप्त है। लगातार आए दिन झारखंड में हत्या, लूट की घटना, दुष्कर्म और महिला उत्पीड़न के मामले सामने आते रहे हैं। इस पर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार इसे रोक पाने में विफल साबित हो रही है। भाजपा के द्वारा प्रखंड कार्यालयों में, प्रखंड मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया। अब जिला मुख्यालय का भी घेराव भाजपा के द्वारा किया जाएगा। भाजपा के द्वारा हेमंत हटाओ, झारखंड बचाओ के नारे के साथ बुधवार को हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता के साथ साथ आम लोग भी जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि हेमंत सोरेन किस प्रकार को अपना रवैया बदलना होगा, इन सभी चीज़ों पर लगाम लगानी होगी, अन्यथा भाजपा अब संघर्ष के रास्ते पर चल पड़ी है। झारखंड के जनता के हितों की अनदेखी भाजपा नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ के बैनर तले विराट प्रदर्शन बुधवार को जिला मुख्यालय पर किया जाएगा, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश भाई पटेल मुख्य रूप से मौजूद होंगे। कल क्या कुछ कार्यक्रम होने जा रहा है आप लोग का? झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है और यह सरकार हर मामले में विफल है। यह सरकार जब से बनी है, इस सरकार के अंतर्गत हत्या, लूट, बलात्कार, महिलाओं पर उत्पीड़न, सारी योजनाओं का सफाया, एक भी नए योजना का शुभारंभ नहीं। इन सभी मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि हम संघर्ष के रास्ते पर जाएंगे। हम झारखंड की जनता को हेमंत सोरेन के ऐसे गलत मानसिकता वाली सरकार के हाथों पर रहने नहीं देंगे और यहाँ के जनता के हितों के अनुरूप हम अभी पिछले दिनों प्रखंड मुख्यालय का घेराव किए और अब कल धनबाद जिला में जिला मुख्यालय पर हम एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने का काम करेंगे इस सरकार के खिलाफ। और हम सबों ने, भारतीय जनता पार्टी ने यह नारा दिया है कि हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ, इस कार्यक्रम को लेकर हम लोग कल बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। और इस प्रदर्शन में, जिला मुख्यालय के इस प्रदर्शन में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और इस प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी उपस्थित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मांडू के माननीय विधायक श्री जयप्रकाश भाई पटेल जी वो उपस्थित हो रहे हैं। हम बड़ी संख्या में यहां पर कल उपस्थित होकर डीसी के माध्यम से इस सरकार को चेतावनी देंगे कि या तो आप बदलो, इस राज्य के जनता के हितों के अनुकूल काम करो, नहीं तो तुम्हें गद्दी से हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी।